हेलो एवरीवन, मेरा नाम सारा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कोरोना वायरस के बारे में। चाइना में इस वक्त 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना ख्वास्ता ये वायरस जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचता है, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि इस वायरस को कॉम्बैक करें, इसके खिलाफ जो है वो लड़ें? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो बीमारियाँ जिनका इलाज मौजूद है, जिनकी वैक्सीनेशन मौजूद है, जिनकी प्रिवेंशन मौजूद है, हम आज तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो क्या हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम कोरोना वायरस को जो है वो कंट्रोल कर पाएँ? चाइना में इस वक्त जहाँ दुनिया जहान के साइंटिस्ट जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए, दुनिया की वहाँ पे तवज्जो मौजूद है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका अपना जो है वो बिलियन ट्रिलियंस लग रहा है उस बीमारी को जो है वो कंट्रोल करने में, वहाँ पे 2000 हलाकतें होगी, तो सोचे हमारे कंट्री में खुदा ना खवास्ता अगर ये जो है वो वायरस आता है तो किस किस्म का डिजास्टर होगा। बात करते हैं सोशल अवेयरनेस के बारे में। इस बीमारी के बारे में कितनी अवेयरनेस है लोगों को? जिन दिनों इस बीमारी की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, पूरी दुनिया में एक जो है वो तहलका मचा हुआ था, उन दिनों में हमारे कॉम जो है वो एक जिसे कहते हैं ड्रामा करेक्ट कैरेक्टर, आई एम सॉरी, ड्रामा करेक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ड्रामा, उसकी मौत का अफसोस कर रहे थे। विच इज़ ओके, एंटरटेनमेंट इज़ गुड, बट वी नीड टू बी सीरियस अबाउट दैट इज सीरियस। फिर उसके बाद आपसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हम पोलियो वायरस को ले लेते हैं जिसकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन मौजूद है, आधी से ज़्यादा दुनिया से छुटकारा पा चुकी है, जहाँ पे लोग अब सोचते भी नहीं है कि ऐसा पोलियो वायरस जो है वो ऐसा कुछ है या ऐसी कोई बीमारी भी है। वहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ 2019 में 144 केसेस जो है वो पोलियो के सामने आए, ठीक है, और ये मैं आपको बता रही हूँ जिसमें 92 केसेस जो है वो खाली केपी के थे। अच्छा, अब पोलियो वायरस है दो टाइप का, एक तो वो वायरस ही तो वायरस इट्सेल्फ, और दूसरा जो है जो वैक्सीनेशन के जिसे कहते हैं नकारा होने की वजह से होता है, या जो इम्यून जो कम्युनिटी होती है उसके अंडर इम्यून होने की वजह से होता है। अच्छा, पोलियो वायरस पे अगर मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पोलियो वायरस के ऊपर मैं जब अपना नर्सिंग करियर कर रही थी मैं खुद उस पर काम कर चुकी हूँ, मैंने फील्ड में जाके जो है उसको सर्व किया, और मुझे पता है कि पोलियो वर्कर्स को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है जस्ट आपके अपने ही बच्चों को इम्यून करने के लिए। खैर, वो एक अलग टॉपिक है जिसपे हम कभी और बात करेंगे। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ें, आप एड्स को ले लें, आप जो है हेपेटाइटिस बी सी को ले लें, जिनकी बिल्कुल वैक्सीन मौजूद है, लेकिन ये वैक्सीन बहुत हद तक बहुत सारे एड्स की वैक्सीन मौजूद नहीं है, मैं हेपेटाइटिस की बात कर रही हूँ, बहुत हद तक बहुत सारे लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो महंगी है और बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई कि हमारी जो एपिडेमिक्स और हमारी जो जिसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी वो जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। हम बात करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कोरोना वायरस आता है पाकिस्तान में, सबसे पहले तो मैं इस बात से मतलब मैं बहुत हैरान हूँ कि जब ये कोरोना वायरस इससे सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस टॉपिक पे अटके हुए थे कि ये हलाल है, हराम खा के इनको ऐसे वायरस हुआ है, और ठीक है, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसे उसमें कर सकते हैं, लेकिन देखें पहली बात तो ये है, दो चीज़ें हैं, एक पहली बात तो ये है कि हलाल हराम सदियों से वो लोग ये खाते पीते आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग हलाल खाते हैं जब बीमारी ने आना होता है वो उन पे भी आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अल्लाह का अजाब आप उसको करार दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कोई रिलीजियस बात नहीं करूँगी इस पे और ना ही मेरा कोई बनता है बात करना, लेकिन अगर ऐसा है तो वो लोग कोशिश कर वो लोग जो है वो तैयार होते हैं और वो इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हाथ पे हाथ धर के बैठ के इसको बस किसी के भी मदद की का इंतज़ार करें। फिर उसके बाद तीसरी बात ये कि जो
लोग लोग आजकल जो है अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट करें जितना इस वक्त यहाँ पे अपडेट चल रही है कनाडा में कोरोना वायरस के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने न्यूज़ बुलेटिन्स देखे, समा न्यूज़ देखा और सारे न्यूज़ बुलेटिन्स देखे, मुझे कहीं भी वहाँ पे इतनी इसको सीरियस लेते हुए नहीं दिखे लोग। कि अगर आपके पास नहीं है ये वायरस तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में न्यूज़ ना चलाएं, लोगों को एहतियात बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें, ठीक है। डेंगू के बारे में जो है, हम आज तक डेंगू को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, अभी तक जो है उतने केसेस जो है वो सामने आते हैं, हर मौसम में डेंगू आता है और बहुत सारे लोग मर भी जाते होंगे उसकी वजह से, हमें नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे, और ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो तक लोगों को मुहैया नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन खाली स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, आपके बजाते खुद एक शहरी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को हर तरह से एजुकेट करें। अगर आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में जो है वो जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करें, अपने आप को एजुकेट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय बाय।